Hey guys, how you doing? I'm Charles and welcome to our journey on Learn Art with Charles. So guys, मेरे काफी students ने मुझे ये question किया है कि हम pencil को control कैसे करें, कैसे हम इसको hold करें, कैसे इससे thick और thin line को control करें, कैसे pressure पे work करें. So ऐसे बहुत सारे question है उनको कि pencil को control कैसे करें. तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि pencil को control कैसे करना है. तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको sharp करना है. वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसको sharp कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ पे sharpener की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कटर की, कि कटर से इसको शार्प कैसे करना है. सबसे पहले इसको निकालो, ठीक है. अब कितना निकालना है, इसकी लंबाई कितनी रखनी है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है. इतना भी लंबा नहीं करना है, तो इससे क्या होगा कि कंट्रोल नहीं रहेगा पेंसिल को शार्प करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हो, ऐसे वो होता रहेगा. इसलिए इसको थोड़ा सा ही निकालिए, जितना आप कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है. मेरे ख्याल से इतना ठीक है. अब पेंसिल को आपको ऐसे होल्ड करना है, आप जैसे चाहो वैसे इसको होल्ड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको ऐसे होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे होल्ड करोगे तो क्या होगा कि आप जैसे ही शार्प करोगे तो हो सकता है कि आपकी पेंसिल की जो नीप है वो टूट जाए. इसलिए इसको संभाल के पकड़िए कि एक उंगली यहाँ पे रखनी है, थंब यहाँ पे रखना है और दूसरी उंगलियां ऐसे रखनी है. जैसे चाहो इसको होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि ये जो जेस्चर है, ठीक है, ये चेंज ना हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है. अब क्या करना है, ऐसे इसको पकड़ना है कटर को, ठीक है, और एक आपका जो अंगूठा है वो ऐसे पीछे की तरफ रखना है, ताकि हम क्या करेंगे, इसको पीछे से थोड़ा जोर देंगे और ये आगे की तरफ जाएगा. ऐसे धीरे धीरे करके आपको इसे शार्प करना है. आप यहाँ पे भी अंगूठा रख के इसको धक्का दे सकते हो, लेकिन मुझे वो स्टाइल जमता नहीं, इसलिए मैं ज्यादातर यहाँ पे ही अंगूठा रखता हूँ, ताकि इजीली मैं इसको शार्प कर पाऊँ. अब ये निप हमने निकाल तो दी है इसकी, अब क्या करना है हमें, ये वाले पार्ट को थोड़ा स्मूथ करना है. तो इसको मैं थोड़ा और दूर से करता हूँ, ताकि मुझे उसको होल्ड करने में ज़रा दिक्कत ना आए. ये तो अभी क्या होगा, ये होल्ड करने में ज़्यादा इजी रहेगा, अभी मैं इसको इजीली यहाँ से होल्ड कर सकता हूँ. अब इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं. मेक श्योर कि आपका ये सब जो कचरा है वो यहाँ से जाए सीधा डस्टबिन में, नहीं तो अगर कचरा एक बार घर में गिर गया तो मम्मी बहुत डांटेगी. मेरे को तो बहुत डांट पड़ती है, अगर आपको डांट नहीं पड़ी तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को तो बहुत ही डांट पड़ती है. ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया सैंड पेपर और छिली हुई पेंसिल. इसकी निप आपको अगर देख पा रहे होगे ठीक से तो बहुत ही ठीक है, ये थोड़ी ठीक है, लेकिन इसको अभी हमें थोड़ा सा पॉइंटी बनाना पड़ेगा. तो आप चाहो तो इसको सैंड पेपर से घिस के इसको पतला करो, या तो आप इससे भी कर सकते हो, कटर से भी, लेकिन कटर से क्या होगा आपको बहुत ही संभालना पड़ेगा ऐसे करके. और अगर हम सैंड पेपर, एंड मेक श्योर कि आपका जो सैंड पेपर है वो इतना थिक ना हो, यहाँ पे तो ये थिक है इसलिए ठीक से हो सकता है कि ये शार्प ना हो. आप अगर इसको हर तरफ से करेंगे तो ये इक्वली होगा, लेकिन आप एक साइड पे ही करते रहोगे तो क्या होगा, आपको एक अलग सा ही पॉइंट मिलेगा, आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि थोड़ा स्क्वायर जैसा होगा, देख पा रहे होगे आप, यहाँ से छोटा है यहाँ से वाइड है. अब इसको देखते हैं कि पेंसिल को कंट्रोल कैसे करना है, आपको होल्ड कैसे करना है इसको. तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये हम स्कूल में यूज करते थे लिखने के लिए, ठीक है, तो इससे आप लिख तो सकते हो, लेकिन ड्रॉ करने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है इससे, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है, ठीक है, ताकि हम इसको ठीक से कंट्रोल कर पाए. आपको मैं दिखाता हूँ, इससे ऐसा होता है, लेकिन ठीक है. अब इससे क्या होगा कि आपका जो एंगल है वो इतना ही रहेगा, मतलब आपका जो हाथ है वो इतना ही हिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आप ड्रॉ कर पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे से पकड़ते हो तो आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर पाओगे. अब दूसरी बात ये है कि आपको व्रिस्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, व्रिस्ट मतलब ये वाला पार्ट, आपको इसको यूज करके नहीं करना है, आपको शोल्डर यूज करना है. शोल्डर से आप बनाओगे तो क्या होगा, आप जितना दूर चाहे उतना दूर ले जाके जा सकते हो. एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि पेंसिल को मैं ये वृक्ष से बना रहा हूँ,
सर्कल को मैं ये वृष्ट से बना रहा हूँ, अब मैं शोल्डर से बना रहा हूँ, वृष्ट शोल्डर। तो क्या होगा, वृष्ट से आपका जो कंट्रोल है वो लिमिट हो जाएगा, ठीक है, आपका जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाएगा, प्लस आपका जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप शोल्डर यूज करते हो तो आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप इजीली इसको ड्रॉ कर पाते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गया मूवमेंट के लिए। अब इसको होल्ड कैसे करना है, तो आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन ये जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ा लिमिट हो जाएगा इसमें। यहाँ से भी आप होल्ड कर सकते हो, प्लस आप इसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, ऐसे भी, या तो आप इसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हो। तब डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल कौन सा है, ठीक है, आपको कैसे स्ट्रोक चाहिए। जैसे कि अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो आपका जो स्ट्रोक है वो थिन आएगा, ऐसे थिन आएगा। लेकिन अगर आप आपका जो होल्ड है ऐसा करोगे, लेकिन अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो आपका जो स्ट्रोक है वो ठीक आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये शेडिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। अब ये थिक स्ट्रोक हो गए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो ये थिन स्ट्रोक हो गए। अब इसका जो मैंने आपको बताया था जैसे शार्प किया है कि यहाँ से थोड़ा वाइड है और यहाँ से थोड़ा पतला है, तो इसका भी एक अलग यूज है। जैसे कि अभी ये वाइड वाले पार्ट से मैं स्ट्रोक करता हूं, कैसा हुआ, अभी थिन वाले पार्ट से, तो सी दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आ गया। वैसे ही इसका भी यूज है ऐसे होल्ड करने से भी, सी अब ये वाइड वाले पार्ट से मैं स्ट्रोक लगाता हूं, अब थिन वाले पार्ट से, वाइड वाले पार्ट से, थिन वाले पार्ट से। तो जब हम शेडिंग करते हैं तब यही चीज हमें काम में आती है, जब एरिया छोटा होता है तब हम थिन स्ट्रोक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा एरिया बड़ा है तो हमें वाइड स्ट्रोक यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे। अब ऐसे होल्ड करने से क्या होता है, हमारा कंट्रोल भी इस पे अच्छे से होता है, इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको ऐसे पकड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसे पकड़ने के लिए आपका इसको इस पे कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर जो आर्टिस्ट लोग हैं जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, वो आर्टिस्ट लोग ज्यादातर ऐसे पकड़ते हैं क्योंकि इससे उनको काफी इजी रहता है। कभी कभी ऐसे स्ट्रोक मारते हैं, कभी कभी ऐसे स्ट्रोक्स लेते हैं, ये ऐसे आप कर तो सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो हाथ है और जमीन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा, और इससे क्या होगा, आपका जो पेंसिल है वो जमीन मतलब पेपर दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे होल्ड करना हो वैसे आप होल्ड कर सकते हो इसको, तो इससे आपको शेडिंग में काफी हेल्पफुल होगा। अब बात आती है प्रेशर कंट्रोल की, तो इससे आप बहुत ही अच्छे से प्रेशर को कंट्रोल कर पाओगे। एक बार ऐसे होल्ड करके करते हैं, ये तो ठीक है, ठीक है, हम बचपन से इससे यूज टू हुए हैं इसीलिए ये अच्छा है, इससे हम इजिली इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एरिया थोड़ा कम कवर करेगा, लेकिन ड्राइंग में हमें एरिया ज्यादा कवर करना होता है, इसलिए हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे। तो अगर आपको डार्क स्ट्रोक रखना है तो आप क्या करो, यहाँ से थोड़ा पकड़ो और, ठीक है, हालांकि पेंसिल भी मैटर करती है, तो ये हमारी 4B है अभी, इसलिए उतना ज्यादा डार्क स्ट्रोक नहीं आ पाएगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं सी। और अगर आपको लाइट करना है तो आप इससे भी लाइट कर सकते हो, तो और इससे भी लाइट कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड करके भी, यहाँ पे होल्ड करके भी डार्क कर सकते हो। लेकिन अब ये 4B है इसलिए ये इससे ज्यादा डार्क नहीं जाएगी। अगर इससे ज्यादा डार्क हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे पास आ गई है 8B, तो अभी 8B से क्या हो, 8B से क्या होगा, इसका जो डार्क एरिया है, ठीक है, इसका जो डार्कनेस है बढ़ गया, तो अभी दोनों में एकदम डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो ये 4B का मैक्सिमम डार्क है और ये 8B का मैक्सिमम डार्क है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेम थिंग इसको भी आपको ऐसे ही यूज करना है, हल्का प्रेशर दोगे तो आप हल्का हल्की हल्की लाइन बना पाओगे, ज्यादा प्रेशर दोगे तो आप ज्यादा डार्क बना पाओगे लाइन। जो इसके लिए भी एक अलग से एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे लाइट एंड डार्क स्ट्रोक को आपको मिक्स करना है, बट फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि जितना नंबर ज्यादा
उतना ज्यादा डार्क स्ट्रोक। तो यहाँ पे आपको जो बी दिख रहा है, तो ये जो बी है उसका मतलब होता है बोल्ड। एच वाली भी आपको पेंसिल मिलेगी, लेकिन एच का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। तो जो एच वाली पेंसिल है वो ज्यादातर कारपेंटर्स लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है वो वुड होता है। एच वाली जो पेंसिल होती है वो बहुत ही सख्त होती है, इसलिए वो इजीली उसके ऊपर टिक जाती है। और हम ज्यादातर आर्टिस्ट लोग बी वाला प्रीफर करते हैं, बी सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे कि 4B है, 10B भी है, फाइबर क्रिस्टल की भी 8B है, ठीक है। आपको कंपनी बहुत सारी मिल जाएगी, आप अलग अलग कंपनी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये फाइबर क्रिस्टल की है, उसका जो डार्क है वो कैमलिन से थोड़ा कम है। दोनों है 8B, दोनों है 8B, लेकिन डार्क टोन में डिफरेंस है। ये 8B का डार्क है, ये भी 8B का डार्क है, लेकिन थोड़ा सा लाइट जा रहा है। हो सकता है कि मेरी पेंसिल बहुत टाइम तक पड़ी रही है, तो हो सकता है कि ये ठीक से वर्क भी नहीं कर रही है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक कि पेंसिल को कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि होल्ड करने के बाद इसको कैसे वर्क करना है, प्रेशर पे कैसे वर्क करना है। बट फिलहाल आप क्या करो, जैसे ही मैंने आपको होल्ड करना दिखाया है, उस हिसाब से आप इस पे प्रैक्टिस करते जाओ, सी कैसे स्मूथली मेरे स्ट्रोक्स जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, तो और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड यस, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि जिसको इसकी जरूरत है उस पे ये काफी इजीली पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।